हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब पर। आज अपने बात करेंगे दोस्तों 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, जिससे आपको आगे की वीडियो की सूचनाएँ जल्दी से जल्दी मिलती रहें। आज अपने बात करें करंट अफेयर्स के पहले पर्सन की, विश्व नारियल दिवस। कौन सा? विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को। कब मनाया गया है? 2 सितंबर को। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। वीडियो के साथ साथ जैसे मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, साथ साथ में आप लोग बोला करो, जिससे आपको वीडियो के साथ ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। पोषण माह है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पोषण माह है वो कब मनाया जाएगा? सितंबर के अंदर। कब मनाया जाएगा? सितंबर को। किस रूप में मनाया जाएगा? पोषण माह के रूप में। ये घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? उषा पांडे को। उषा पांडे को। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम वीर लक्ष्मी। कौन बनी है? एम वीर लक्ष्मी, जो कहां की है दोस्तों? तमिलनाडु की। कहां की है? तमिलनाडु की। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम वीर लक्ष्मी, जो कहां की है? तमिलनाडु की। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अदीप। कौन बने हैं? मुस्तफा अदीप। लोकसभा के नए सचिव, रिपीट करता हूं, लोकसभा के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। किसे? उत्पल कुमार सिंह को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत खत्री को। किसे? हेमंत खत्री। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अवीक सरकार को। अवीक सरकार। न्यूजीलैंड की पुरुष टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया है? गैरी स्टिड को। किसे नियुक्त किया है? गैरी स्टिड को। इटली में भारत की नई राजदूत कहां पर? इटली में भारत की नई राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। पंजाब एंड सिंध बैंक का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन को। किसे नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन को। साउथ इंडियन बैंक के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? मुरली रामकृष्ण। मुरली रामकृष्ण। क्रोएशिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? राजू कुमार श्रीवास्तव को। किसे नियुक्त किया है? राजू कुमार श्रीवास्तव, याद रहेगा। अफ्रीका विकास बैंक समूह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अकीम भूमि अदिशीना। रिपीट करता हूं दोस्तों, अफ्रीका विकास बैंक समूह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अकीम भूमि अदिशीना को।
फॉर्मूला वन बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन सा रहा है? स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड। CII और GBC नेशनल लीडर अवार्ड किसने प्राप्त किया है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। हैदराबाद एयरपोर्ट ने। 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? पी इनियान ने। किसने जीता है? पी इनियान ने। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करण जौहर। कौन है? करण जौहर। लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन सी पुस्तक? लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? पोप फ्रांसिस। कौन है? पोप फ्रांसिस। पंग लहब सोल त्योहार कौन सा? पंग लहब सोल त्योहार कहां पर मनाया गया है? ये कहां पर मनाया गया है दोस्तों? सिक्किम के अंदर। कहां पर मनाया गया है? सिक्किम के अंदर। याद रहेगा सार बोम्बा या सार्स बम किसने विकसित किया है? ध्यान से देखना दोस्तों, सार बोम्बा या सार्स बॉम्ब किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? रूस ने। किसने विकसित किया है? रूस ने। और रूस की राजधानी मॉस्को। क्या है? मॉस्को। ये जो सार बोम्बा या सार्स बॉम्ब है, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन बम है। क्या है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम है वो किस पर आधारित होते हैं? नाभिक संलयन पर। किस पर आधारित होते हैं? नाभिक संलयन पर। और जो परमाणु बम होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? नाभिक विखंडन के ऊपर। विद्या कनुका योजना कौन सी? विद्या कनुका योजना किस राज्य में शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। एयर स्कैनर ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे। किसने लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे ने। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स एक संस्था है जिसने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अम्मा शहर मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू हुए हैं? कहां पर लॉन्च किया गया है इसको? ओडिशा के अंदर। कहां पर किया गया है? ओडिशा के अंदर। बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन कहां पर खोले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर खोले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर। गंदगी भारत छोड़ो अभियान कहां पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। होम उत्सव किस बैंक ने शुरू किया है? ICICI बैंक ने। होम उत्सव किसने शुरू किया है? ICICI बैंक ने। इन जोगो ऐप किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। किसने किया है? किरण रिजिजू ने। ये जो किरण रिजिजू है, ये हमारी भारत की क्या है? केंद्रीय खेल मंत्री। इन्होंने जो इन जोगो ऐप है वो किस लिए लॉन्च किया है? पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप।
कौन सा है? इनजोगो। और किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। उसके बाद बात करें, एक और ऐप लॉन्च हुआ है, इंग्लिश प्रो ऐप। कौन सा? इंग्लिश प्रो ऐप। ये किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे भारत के क्या हैं? शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इंग्लिश प्रो। ये ऐप क्या करता है दोस्तों? इंग्लिश के शब्दों का सही प्रोनंसिएशन या सही उच्चारण कैसे करते हैं, तो उसके बारे में कौन बताएगा? इंग्लिश प्रो ऐप। और जो किसने लॉन्च किया है? भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। याद रहेगी बात, ठीक है। उसके बाद है देखो, भारत का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क किसका है? भारत का। किसका है? भारत का। और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। कौन है पहले स्थान पर? अमेरिका। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक है। ये थी दोस्तों अपने 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, जिससे आपको आगे की क्लास की सूचनाएँ जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।